नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बेडूदर रौतिया, आप सभी का हमारे चैनल लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स में अभिनंदन है। दोस्तों, हम प्रतिदिन एक मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते हैं और स्टूडेंट्स को फायदा भी हो रहा है, वो मैसेज में स्पष्ट रूप से हम समझ सकते हैं। दोस्तों, मैं एक कहानी सुना रहा हूं। एक मुकेश नाम का युवा था, गांव का रहने वाला। वो हमेशा अखबार में जो दौड़ करने वाला जो खिलाड़ी हैं उनसे ज्यादा मोटिवेट होता था और खुद स्वयं सुबह सुबह दौड़ लगाने चला जाता था, दौड़ता था। लेकिन वो कभी अपनी दौड़ को जो है विश्राम नहीं दिया, निरंतर दौड़ता रहा, निरंतर दौड़ता रहा। और गांव के कंपटीशन में, प्रतियोगिता में वो सफल भी हुआ, फिर क्षेत्रीय लेवल में भी सफल हुआ। नेशनल लेवल में जब वो पहुंचा, तब जब पहली बार दौड़ लगा रहा था, तब दौड़ के दौरान ही उनकी पैर के मांसपेशियां में खिंचाव आया और वहीं गिर गया। लेकिन मुकेश ने घबराया नहीं और एक हृदय की आवाज आया, कहा कि रेस में हम कभी विश्राम नहीं लेंगे। ठीक है, विश्राम लेना ही नहीं है। वो अपने हृदय की आवाज को सुना और वो दौड़ नहीं सकता था, लेकिन वो कम से कम चल सकता था और उन्होंने चलकर जो है रेस को कंप्लीट किया। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। क्या सीख मिली? कि जब हम किसी रेस में हैं, दौड़ लगा रहे हैं, तो चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, हमें विश्राम नहीं करनी चाहिए। विश्राम करने का कोई गुंजाइश ही नहीं होती। चाहे आप दौड़ नहीं सकते हैं, चाहे आप में स्पीड नहीं है, लेकिन जब आप एक बार दौड़ में भाग ले लिए हैं तो आपको दौड़ना ही पड़ेगा। और उन्होंने दौड़ा नहीं बल्कि चलकर जो है अपनी रेस को कंप्लीट किया। दोस्तों, आज सफल नहीं हुए हैं, कल सफल हो जाएंगे, निश्चित है, यदि निरंतर प्रयास करेंगे। आप बहुत सारे ड्रीम भी देखते होंगे, लेकिन अब अपना ड्रीम देखना बंद कर दीजिए। आप अपने माता पिता के ड्रीम को पूरा करने की कोशिश कीजिए। आप एक बार जरूर सोचें, जब हम छोटे थे तब माता पिता के सपने ड्रीम्स कितने बड़े थे। वो कई बार कहे भी होंगे कि मेरा बेटा एक दिन नाम रोशन करेगा, वो भी अपना नहीं बल्कि अपने माता पिता के ड्रीम के, माता पिता के सपने को पूरा करेगा। आप एक बार अपने माता पिता के आंखों में झांक कर देखिए कि वो क्या चाहते हैं। हैं, वो ये चाहते हैं कि आप बड़े हो गए हैं, आप उनके ड्रीम को पूरा करेंगे। दोस्तों, समझिए, यदि आप मान लीजिए सक्सेस हो जाते हैं और उसके बाद में अपने माता पिता के आंखों में एक बार जरूर झांक कर देखिएगा, देखना उनकी आंखें बहुत सारे बातें बता देगी और उनकी आंखों में एक प्रकार की जो खुशियां जो होगी। कहते हैं ना कि खुशियों में भी आंखों में आंसू आते हैं, और वो जो खुशियों के आंसू है वो बहुत ही मजेदार पल होता है। आपके कारण से माता पिता की पहचान होगा, वो कहेगा वो देखो मुकेश, वो मेरा बेटा है। जब कहीं किसी रिश्तेदार के घर में जाएंगे या किसी सोशल वर्क में, सोसाइटी में पहुंचेंगे, तो वो खुद कहेंगे कि मेरा बेटा एक सक्सेसफुल इंसान है, उन्होंने हमारे सपने को जो है पूरा किया है। और आपके पड़ोसी, आपके समाज के जो लोग हैं, प्राउड फील करेंगे। तो दोस्तों, हम अपने सपनों को पूरा नहीं करना है, हम अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है। इसलिए हमें निरंतर प्रयास करना है, रुकना नहीं है।
थामना नहीं है, बल्कि यदि आप दौड़ नहीं सकते तो आपको चलना प्रारंभ कर देना चाहिए। लेकिन इसमें एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा, निरंतर प्रयास, कड़ी मेहनत और विश्वास के साथ में यदि किसी भी काम को हम करते हैं तो सफलता मिलेगा ही। तो इसलिए आप बीच में कभी छोड़े नहीं, ठीक है, मरने से पहले जीना सीख ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गाना मुझे बहुत प्रभावित करता है, हैं? यदि आपको मरना ही है तो ठीक से जीना भी तो सीख लो, पहला जीना है उसके बाद ही जो है मरने की बात हमें करना है। तो दोस्तों यदि आपको अच्छा लगा हो तो जरूर 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 इस वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ आप लाइक करें, कमेंट्स लिखें, ताकि हम लोग जो है रोज एक मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए। और इसी आशा और अपेक्षाओं के साथ में मैं आप लोगों से विदाई लेता हूं और आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। थैंक यू।